नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल हेल्थ टिप्स में आपका स्वागत है। आज हम मंजिष्ट के फायदों के बारे में बात करेंगे। मंजिष्ट भारत के पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है। मंजिष्ट के पेड़ झाड़ी नुमा होते हैं, जिसकी जड़ें जमीन में दूर दूर तक फैली होती हैं। इसकी टहनियां कई फुट तक लंबी, नरम, खुरदरी और जड़ की तरह कठोर होती हैं। मंजिष्ट की पत्तियां चारों तरफ लगती हैं, जिसमें दो छोटी और दो बड़ी पत्तियां होती हैं। इसके फूल गुच्छों में छोटे छोटे होते हैं। इसके फल चने के आकार के होते हैं। मंजिष्ट का आयुर्वेद में महत्वपूर्ण स्थान है। इसका प्रयोग चेहरे के दाग धब्बे, दांत खाज, खुजली, सोरायसिस, जलीय त्वचा पर गुर्दे, पित्त की पथरी, हड्डियों की मजबूती, दस्त, पथरी और सूजन आदि के उपचार में किया जाता है। तो चलिए जानते हैं मंजिष्ट किस प्रकार से हमारे स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है। यह चेहरे के दाग धब्बों को दूर करता है। मंजिष्ट की जड़ का काढ़ा 4 चम्मच की मात्रा में सुबह शाम कुछ दिन तक नियमित रूप से पीने से और जड़ को शहद में घिसकर दाग धब्बों पर लगाने से शरीर के दाग धब्बे दूर होते हैं। साथ ही चेहरे पर निखार भी आता है। यह जले घाव को ठीक करने का काम करता है। इसके लिए मंजिष्ट की जड़ तथा चंदन को घी में घिसकर बने लेप को जले हुए अंग पर 2 से 3 बार लगाएं। इससे जलन शांत होगी और घाव भी जल्दी भरेगा। पथरी होने पर 2 ग्राम मंजिष्ट की जड़ का पाउडर 4 चम्मच पानी के साथ दिन में 3 बार कुछ सप्ताह तक सेवन करने से पथरी गलकर बाहर निकल जाती है। इसके अलावा 10-10 ग्राम मंजिष्ट, दिवर्सी के बीज और सफेद जीरा, सौंफ, आंवला, सौंधी हुई गंधक तथा मैन सिल्क को लेकर बारीक चूर्ण बना लें और 2 चुटकी चूर्ण रोजाना सुबह शाम शहद के साथ खाने से पथरी रोग में आराम मिलता है। दांतों के रोग में इसकी जड़ को पीसकर मंजन की तरह सुबह शाम प्रयोग करने से दांतों के रोग में लाभ होता है। यह सूजन को भी कम करने का काम करता है। इसके लिए मुलेठी की जड़ और मंजिष्ट को समान मात्रा में पानी के साथ पीसकर लेप बना लें और इस तैयार हुए लेप को सूजन पर मालिश करने से सभी प्रकार की सूजन और दर्द में लाभ होता है। यह हड्डी को जोड़ने का काम करता है। इसके लिए मंजिष्ट की जड़ महुए की छाल और मूली के पत्तों को बराबर मात्रा में मिलाकर पीस लें। इसे गुनगुना करके टूटी हुई हड्डियों के ऊपर लगाएं और बांध लें। इससे काफी लाभ होता है। यह त्वचा रोगों में भी काफी फायदेमंद है। त्वचा रोग के लिए मंजिष्ट की जड़ को शहद में घिसकर चंदन की तरह पेस्ट बना लें और इस पेस्ट को सभी प्रकार के त्वचा विकारों पे नियमित रूप से 2 से 3 बार लगाएं। इससे आराम मिलता है। सोरायसिस के उपचार के लिए मंजिष्ट का काढ़ा 2-2 चम्मच की मात्रा में सुबह शाम रोजाना पीते रहने से कुछ हफ्तों में सोरायसिस के रोगों से पूरा आराम मिलता है। यह दस्त के उपचार में भी काफी फायदेमंद है। इसके लिए 1 से 10 ग्राम मंजिष्ट का पिसा हुआ चूर्ण रोजाना दिन में 3 बार खुराक के रूप में रोगी को पिलाने से काफी पुराने दस्त में भी आराम मिलता है। इसके अलावा मंजिष्ट, पीपल और नागर मोथा को अच्छी तरह से बारीक पीस कर चूर्ण बना लें और इसका 1 से 2 ग्राम चूर्ण शहद के साथ चाटने से दस्त का आना बंद हो जाता है। दाद होने पर मंजिष्ट को पीस कर शहद के साथ मिलाकर लगाने से सभी तरह के दाद और त्वचा रोगों से आराम मिलता है। तो दोस्तों, ये थे मंजिष्ट से होने वाले कुछ फायदे। इसी के साथ ही दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे आप लाइक कीजिए, अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नया नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। धन्यवाद दोस्तों।